हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट एडॉन का थर्ड पार्ट है। ओके, हम लोग नीट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला, पीरियोडिसिटी, इन प्रॉपर्टीज, वो वाला चैप्टर। अब ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट एडॉन्स में बहुत सारी चीजें सीख ली है, वेस्पर तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग आए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितनी भी चीजें शायद आपको दिक्कत आ सकती है उनमें, वो हम चीजें फटाफट सीखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो दोस्तों अब मैं फटाफट कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, एकदम बहुत छोटी मोटी बेसिक सी चीजें। उसके बाद हम लोग फटाफट और थोड़ी भी बेसिक चीजें देखेंगे और बाद में फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स से आपको बहुत सारी चीजें वीबी थ्योरी की क्लियर होते होते जाएंगे। ओके, तो हम लोग प्रोसेस में सीखते सीखते जाएंगे, एग्जांपल से सीखते सीखते जाएंगे। ओके, तो जो भी बेसिक चीजें बतानी है, अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, लाइनस पॉलिंग ने दी थी। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई ये वीबी थ्योरी ना वेस्पर से भी ज्यादा डिटेल्ड है। ओके, ये वीबी थ्योरी हमें एकदम बहुत डिटेल में बताती है कि भाई मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। ओके, मतलब कॉम्पाउंड्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं। ओके, अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये वीबी थ्योरी का एक सिंपल सा बेसिक सा प्रिंसिपल आप एक झटके में समझ जाओगे। अगर समझ गए ना अभी तो बात खत्म, आपको एग्जांपल्स जो भी हम लोग देखेंगे आगे फटाफट समझते आते जाएंगे। बस एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। ओके, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो देखो अब एक सिंपल सी बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूं वीबी थ्योरी के अनुसार क्या है। ये थ्योरी क्या बताती है हमें, ये बताती है कि भाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अब ऑर्बिटल सबको पता है राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोगों ने पढ़ा है तो हमें पता है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ओके, सपोज ये एटम है, ये एटम है, इसके पास कुछ, इसके पास ऑर्बिटल है, इसके पास ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, घुलमिलाव हो जाएगा। ओके, तो घुलमिलाव होने के बाद इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ओके, ये ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो खत्म, बॉन्ड हो गया, फॉर्म। ओके, बस इतनी सी सिंपल सी चीज याद रखनी है, तीन स्टेप वाली चीज, ओवरलैप होगा फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी और खत्म, दो स्टेप में ही खत्म, बॉन्ड फॉर्म हो गया। एग्जांपल देख लेते चलो, तो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन का ही। ओके, इसका 1s ऑर्बिटल है ये सपोज। ओके, एक हाइड्रोजन एटम है, वैसे भी इसके पास होता तो 1s ही है राइट, मतलब फर्स्ट शेली होता है राइट, हंसने वाली बात नहीं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन बहुत ही चमत्कारी एलिमेंट है। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि बस एक ही है इसके पास। ओके, इसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं भाई, बहुत ही डेंजरस एलिमेंट ही है। चलो, तो एक 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम का और दूसरा 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम का, इन दोनों का घुलमिला हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएंगे ये। ओके, कुछ ऐसे, फिर ओवरलैप होने के बाद ये हो गया इनका ओवरलैप्ड रीजन और इस ओवरलैप्ड रीजन में इनके दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मस्त शेयर हुए रहेंगे। ओके, मतलब ओवरलैप होने के बाद शेयरिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की और बन गया बॉन्ड राइट। ये ही सिंपल सी प्रिंसिपल है ओके वीबी का। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे कि इंसानों में जो बॉन्डिंग हम देखते हैं, ओके, तो आपको पता ही होगा कि मतलब हर कोई भी रिलेशन में बॉन्डिंग होती है राइट, वो फिर मम्मी या फिर बेटे बेटी की हो, पापा या फिर बेटा बेटी की हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में हो। तो ऐसे हम लोग को पता है कि जिस भी रिलेशन में घुलमिलाव ज्यादा है, ओके, ओवरलैप ज्यादा है, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है राइट। तो वैसी उसी तरह यहां पर ऑर्बिटल्स में भी अगर ओवरलैप ज्यादा हो, ओके, ये याद रखना है, ओवरलैप ज्यादा है तो भाई साहब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बस बस। ओके, आ गई बात समझ में। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, अब बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है हमको पता है, और वो क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना बॉन्ड फॉर्म होने के टाइम पर, तो ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है? ओके, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट। आगे हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पर कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक और एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग करेंगे। तो ऐसे वाले शेयरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग होने पर जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो आगे हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, ओके, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, ओके। तो चलो अब देखते हैं फटाफट कि मतलब हर एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या फिर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स में उसके साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी फॉर्म हो रहे हैं, ओके। तो अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फर्क इतना ही है, ये कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप में इस प्रकार डिवाइड हुए कि भाई जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं वो किस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं, ओके। तो ओवरलैपिंग का टाइप के ऊपर दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। एक टाइप का ओवरलैप है हेड ऑन ओवरलैप या फिर एक्सियल ओवरलैप, ओके। तो देखो इस वाले ओवरलैप अगर होगा तो ऑर्बिटल्स का इस ये वाला ओवरलैप होगा एक्सियल ओवरलैप, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ओके। सिग्मा ऐसे याद रखना, ओके, एक्सियल ओवरलैप फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओके। और पाई बॉन्ड के लिए, ओके, लैटरल या फिर आप बोल सकते हो साइडवाइज ओवरलैप, ओके। लैटरल नहीं बोला तो भी चलेगा, साइडवाइज ओवरलैप बोल दो, लैटरल से राइट तो साइडवाइज भी होगा, ओके, लैटरल साइडवाइज ओवरलैप, ओके। तो अब कैसे ओवरलैप होगा ये अब हम लोग देखते हैं, ओके। तो ये जो हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैप है इसमें ऑर्बिटल्स, ओके, हेड ऑन उनका ओवरलैप हो रहा है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। चलो ये एग्जाम्पल के बिना दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते अलोंग। तो इसके तीन टाइप्स के ऑर्बिटल्स अगर ऐसा हेड ऑन ओवरलैप करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओके, तो आप तो सिग्मा बॉन्ड बनते। तो पहला तो है s ऑर्बिटल्स, ओके, अलग अलग एटम्स के, ओके, ओवरलैप करेंगे, ओके, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड ऑन ओवरलैप करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या फिर ओवरलैप करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसे भी बोल सकते हो हम लोग इजीली, ओके। वो हेड ऑन का मतलब है मतलब ऐसे सामने सामने से ओवरलैप कर रहे हैं ऐसा, ओके। तो जब ऐसे एस ऑर्बिटल, ओके, और ये एक एस ऑर्बिटल, ओके, तो हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल्स दो अलग अलग एटम्स के, ओके, देखो आ गए, अब एक दूसरे के करीब आएंगे, उनका घुलना मिलना हो जाएगा। तो ये है दो न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस, ओके, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही इनका होगा मिलन, तो हो गया ऐसा इनका मिलन, ओके, ओवरलैप हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ओके, दिख रहा है ऐसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वैसे ही आप एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे? तो ये सपोज है अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओके, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ये हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड होना चाहिए, ओके। अब इनका मिलन होगा तो ये ऐसे ओवरलैप होगा इनके बीच में, ओके, आगे बात समझ में? मिलन हो गया, हाफ फील्ड होते, ओके, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन का मिलन हो गया, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ओके। और वैसे ही तीसरा है पी ऑर्बिटल के बीच की ओवरलैपिंग, जिसमें देखो एक पी ऑर्बिटल एक एटम का, ओके, ये उसका न्यूक्लियस है, दूसरा एटम के पी ऑर्बिटल के साथ होगा इसका ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके, और दोनों भी होने चाहिए, हाफ फील्ड बन गया अपना ऐसे, हो गया एक्सियल ओवरलैप, ओके, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, खत्म, इतना था सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अब पाई बॉन्ड को बनाने से मतलब पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो देखने से पहले एक बार पी ऑर्बिटल्स के ऊपर जरा नजर डाल देते हैं, ओके। तो ये हम लोग कन्वेंशनली इस एक्सिस को जेड एक्सिस मानते हैं, ओके, पी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने के केस में इस एक्सिस को हम लोग एक्स मान ले रहे हैं और इस एक्सिस को वाई मानते हैं, ओके।
तो ये जो एक्सिस दिख रहा है आप बीच में, आप 2D में मत देखना इसको, आप 3D में समझना इसको, ओके। तो अब आप 11th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हो आप, ओके, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैथ्स भी अच्छी खासी मतलब पढ़ी होगी 10वीं तक, तो एटलीस्ट तो 10वीं तक आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं वो, ओके, बेसिक तो इतना पता होगा आपको। ये जेड वाला ऐसे ही होता है प्लेन में, ओके, वाई वाला भी प्लेन में ही होता है, पर वाई वाला सिर्फ ऐसे टेढ़ा होता है, ओके, ऐसे जा रहा है सिर्फ, ओके, जेड वाला सीधा जा रहा है, तो वाई वाला ऐसे जा रहा है, पर प्लेन में ही है, और एक्स एक्सिस सिर्फ ऐसे प्लेन के प्लेन में नहीं है, वो ऊपर से नीचे जा रहा है, ओके, प्लेन को ऐसा चीर पाड़ के जा रहा है ऊपर, खत्म। तो ऐसे आप इमेजिन करना, तो ये एक्स एक्सिस पर है पी एक्स वाला ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पर है पी वाई वाला ऑर्बिटल, जेड पर है पी जेड वाला ऑर्बिटल। तो देखो हम, मुझे बताना ये है कि एक एटम का अगर हम लोग पीजेड कंसिडर कर रहे हैं और दूसरे एटम के हम लोग पी ऑर्बिटल को अगर उसके साथ अगर हम लोग ओवरलैप करना चाह रहे हैं, तो दूसरे ऑर्बिटल का भी पीजेड ही ओवरलैप हो पाएगा, ओके, क्योंकि ये पीजेड ही, ओके, ऐसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप कर सकता है दूसरे वाले, ओके, मतलब अगर हम लोग पीजेड ले रहे तो दूसरे वाले एटम के पीजेड वाले ऑर्बिटल से ही इसका मिलन होगा, ओके, इस ऑर्बिटल का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, ओके, ये पीजेड पीवाई से नहीं इसका मिलन हो सकता, या फिर पीजेड का पीएक्स से नहीं मिलन हो सकता, ओके, आगे बात समझ में। अब जैसे लैटरल या फिर साइडवाइज ओवरलैप की बात चल रही है पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो देखो ये जो पाई बॉन्ड्स है सिंपल सी चीज है, ये ऐसे ऐसे ओवरलैप होते साइडवाइज, ओके, डांस का मूवी बन गया। तो इस तरह से देखो साइडवाइज ओवरलैप तो ऐसे होते हैं, ये याद रखना है आपको कि इनके जो एक्सिस है, ये एक पी ऑर्बिटल लिया मैंने, ये एक पी ऑर्बिटल लिया, सपोज ये पी एक्स वाला ऑर्बिटल है, ये भी पी एक्स वाला ऑर्बिटल है, तो इनमें ओवरलैपिंग ऐसी होती है कि इनके जो दो एक्सिस है ये एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ओके, ओवरलैप होने के बाद एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, देखो ऐसे, ओके, ओके, एक दूसरे से पैरेलल है, देखो ये एक्सिस है इस ऑर्बिटल का, ये एक्सिस है इस ऑर्बिटल का, एक दूसरे से पैरेलल है, ओके, ओवरलैप इस तरह से होते हैं कि एक दूसरे से इनके एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ इनके एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाला लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, ये परपेंडिकुलर है, इनके एक्सिस परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ये बात, ओके, पीएक्स वाली। अब बच्चों को क्या होता है कि कई बार पीवाई वाला समझ में नहीं आता, तो पीवाई वाला आप इमेजिन करोगे ना ठीक से ध्यान से, तो देखो ऐसा है पीवाई वाला ऑर्बिटल एक एटम का, दूसरा ऐसा है, ओके, इनके बीच में मिलन होगा, ओके, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओके, पर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ऐसा है, ओके, इनका मिलन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, इनका मिलन कुछ ऐसे हो रहा है, ओके, तो ये ऐसे सर से सर, मतलब इनका सर से सर नहीं मिल रहा है, ओके, ये ऐसे साइडली साइडवाइज ओवरलैप हो रहे इस तरह से कि देखो इसका ये एक्सिस है, इसका ये एक्सिस है, ओवरलैप होने के बाद, ओके, यहां पर है ये, इसका है ये, ओके, ये ऐसे दो न्यूक्लियस है, तो ओवरलैप होने के बाद देखो इसका एक्सिस इसके एक्सिस से पैरेलल तो है, क्लियर, और ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिख रहा है ये वाला, तो इनके एक्सिसेस देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर भी है, ओके, ऐसा जा रहा है ना, वो एक ही प्लेन में है तो ऐसे परपेंडिकुलर है वो, क्लियर हो गई बात, ओके। पी वाई वाले ऑर्बिटल्स भी कैसे कैसे उनके एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल है वो तो समझ में आ जाएगा, परपेंडिकुलर भी कैसे ये भी बता दिया मैंने। चलो तो अब मुझे एक सख्त जरूरी बात बता देता हूं मैं आपको, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि भाई सिग्मा बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है देन पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, क्यों 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 भाई, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि भाई ओवरलैप ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा, वैसे ही अब यहां पर आप देखोगे सिग्मा बॉन्डिंग के केस में, ओके, यहां पर देखो ओवरलैप इतना है, ज्यादा बहुत ज्यादा है, देखो ओवरलैप एकदम घुलमिल रहा है एक दूसरे के साथ, वैसे यहां पर पाई बॉन्ड में देखो, अब यहां पर मैंने ओवरलैप थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है, वैसे तो ओवरलैप कम होता है, देखो मैं यहां पर अच्छे से दिखा देता हूं ओवरलैप कितना होता है, ये यहां पर इतना है और ये यहां पर ऐसे इतना, तो काफी कम सा ओवरलैप होता है इनमें, ओके, बहुत कम, तो अब देखो ओवरलैप कम, घुलमिलाव कम, घुलमिलाव कम मतलब कंजूसी कर रहे हैं ना घुलमिलाव करने में, तो बॉन्डिंग इनकी अच्छी नहीं होगी इतनी, एज कम्पेयर टू इनके जिनमें देखो ओवरलैप बहुत अच्छा खासा है, तो घुलमिलाव अच्छा हो रहा है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इनमें, ओके, कंपैरेटिवली इनसे, तो इसीलिए अगर यहां पर
इसीलिए देखो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। ओके ओके, तो दोस्तों अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, इसको पहले समझते ओके, फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, ताकि आपको तब आएगा इंटरेस्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में, नहीं तो फिर आप वो ही करते रहोगे sp3 sp2 sp बस इतना ही याद रखोगे निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए राइट, हमको मजा आना चाहिए ना उसमें, तो क्यों भाई हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, ये समझते। तो देखो जैसे कि नॉर्मली हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था अब तक, कि भाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे और उसके बाद ओवरलैपिंग होने के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, खत्म, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बन बन के एटम्स कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे। पर अब ये जो थ्योरी थी हमारी ओके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाली, तो सिर्फ सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हम लोग ले और उनको कंबाइन करें तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ कंपाउंड्स थे हम लोग उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो ऐसा क्यों है। ओके फॉर एग्जांपल चलो मैं बता देता हूं, ये मीथेन या फिर अमोनिया या फिर वाटर ओके तो इसमें से चलो मीथेन ले लेता हूं मैं, ये मीथेन जो है ना ओके तो अगर हम लोग हमारा नॉर्मल थ्योरी मान ले कि भाई क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी और फिर बॉन्ड बनेगा करेक्ट, तो ऐसे अगर मैं कार्बन के बारे में सोचूं 1s2 2s2 और 2p2 होता है उसका कॉन्फिगरेशन ओके तो इसमें ओके यहां पर 2s में और 2p में 2s में दो और 2p में यहां पर एक और यहां पर एक ओके तो इसमें हम लोग भले ये भी कर ले प्रोमोशन भी कर ले इलेक्ट्रॉन का कि भाई इलेक्ट्रॉन तू आगे जा ताकि हमें चार हाफ फिल्ड ओके ऑर्बिटल्स मिले, ऐसे चार ओके चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिले जो चार हाफ फिल्ड हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ इनका मिलन हो और फिर चार बॉन्ड्स बनेंगे राइट, तो हो गया CH4, ऐसे हम लोग ने समझ लिया पहले शुरुआत में। पर ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जहां अब तक हम लोग चलते आ रहे थे, ये CH4 में हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 109.5 डिग्रीज ये बॉन्ड एंगल है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ओके, क्योंकि देखो अगर हम लोग मानेंगे कि भाई ये पी ऑर्बिटल्स है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहे हैं तो हमें पता है कार्बन के पी ऑर्बिटल्स ओके ये कार्बन का न्यूक्लियस है ओके ये सपोज एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ये पी ऑर्बिटल ऐसा पी वाई वाला ये पी एक्स वाला ये पी जेड वाला तो ऐसे कार्बन के पी ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s के साथ देखो ऐसा ओवरलैप कर रहे ओके एक्सियल ओवरलैप हो रहा है एक्सियल ओवरलैप हो रहा है एक्सियल ओवरलैप हो रहा है ठीक है चलेगा। तो अब ध्यान से देखना बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 90 डिग्रीज का ओके ऐसे भी यहां पर 90 डिग्रीज का बनेगा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओके तो बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्रीज है तो 90 डिग्री तो नहीं है तो एक्सप्लेन हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से अगर चलो ये तो छोड़ो ठीक है एस वाला 2s वाला ऑर्बिटल हमारा 1s वाले हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओके अगर ये इसका मिलन होने के बाद ये एस ऑर्बिटल्स ओके किसी भी डायरेक्शन में इनका मिलन हो सकता है तो किसी भी डायरेक्शन में अगर इनका मिलन हो रहा है तो ये हम लोग बता ही नहीं सकते ना कि क्या बॉन्ड एंगल होगा ओके हाइड्रोजन कार्बन और फिर दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ ओके तो एस ऑर्बिटल का तो मतलब आउट ऑफ द स्कोप ही हो गया क्योंकि ये तो स्फेरिकल होते हैं ना शेप में, ये थोड़ी किसी एक्सिस पर डायरेक्टेड होते तो ये ऐसे भी मिलन हो सकता है इनका ऐसे भी मिलन हो सकता है इनका कैसे भी हो सकता है करेक्ट। तो ये चीजें दिक्कत आ रही थी इसकी कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था हमारे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा थी हमारे फॉर्मेशन के थ्योरी के साथ कि ऐसे फॉर्म हो रहा है भाई। तो हमको जरूरत पड़ी इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट ने हमारा सोल्यूशन हमें दे दिया ओके। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो रही है ओके। कौन सी प्रोसेस है इसमें, इसमें जो ऑर्बिटल्स है ये ऑर्बिटल्स ओके इनकी मिक्सिंग हो रही है, जैसे कि समझ लो कि मिक्सी में डाल दिए ऑर्बिटल्स ओके अब ये मिक्स हो जाएंगे तो मिक्सी में डालने के बाद कोई भी चीज क्या होती है पूरी तरह से मिक्स हो जाती है एकदम कुछ उसका आइडेंटिटी ही निकल जाता है, टमाटर टमाटर नहीं रहेगा आलू आलू नहीं रहेगा मतलब सॉरी आलू तो नहीं खाएंगे हम लोग पर टमाटर टमाटर नहीं रहेगा अनियन अनियन नहीं रहेगा सब मिक्स हो जाएगा प्यूरी हो जाएगा उसका पूरा। ऐसे ही ऑर्बिटल्स का भी मिक्सचर हो जाता है पूरा घुल मिल जाते हैं वो एक दूसरे के साथ एकदम ओके प्यूरी बन जाता है उनका, इस तरह से इंटरमिक्सिंग होता है ऑर्बिटल्स का या फिर इंटरमिक्सिंग इसीलिए होता है ताकि इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज है ओके ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो ओके
और अब ये जो ऑर्बिटल्स है उनकी जिनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, इनमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये ऑर्बिटल्स की एनर्जीज थोड़ी बहुत ही एक दूसरे से अलग होती है, स्लाइटली डिफरेंट होती है। ओके, तो ऐसे नहीं कि हम लोग टमाटर के साथ आलू लेके आ रहे हैं और फिर आलू को मिक्सी में डाल रहे हैं, ओके टमाटर के साथ अनियन डालेंगे ओके ताकि उनका मिक्सचर अच्छा लगे, वैसे ही ऑर्बिटल्स भी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के ही मिक्स होते हैं। और मिक्स क्यों होते हैं, ताकि इनकी एनर्जीज जो है स्लाइटली डिफरेंट है, अब ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो कि भाई साहब जो ऑर्बिटल्स नई ऑर्बिटल्स बन के आएंगे बाहर, इन नए ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो एकदम मतलब इक्विवेलेंट होगी, मोस्ट सेम होगी, और इनका जो शेप होगा ओके वो भी इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात समझ में, तो अब इसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स में समझते जाएंगे, अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स का मिक्सचर हो रहा है और फिर वो अलग अलग नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, और इन अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जैसे मैंने बताया ओके अलग अलग शेप्स होंगे, तो अलग अलग हमें कंपाउंड्स के अलग अलग शेप्स हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, चलो अब चीजों को हम थोड़ा समझ चुके हैं, अब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे और एग्जांपल्स देख सकते फटाफट, मतलब टाइप्स देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और उस पर्टिकुलर टाइप के हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ टाइप के हम लोग दो तीन चार भी देखेंगे, SP3 के तीन चार भी देख लेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो SP हाइब्रिडाइजेशन शुरुआत करते हैं, सिंपल से शुरुआत करते हैं, ओके डिफिकल्ट में नहीं घुसते, डायरेक्ट सिंपल से शुरुआत करते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहां पर बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हमें बताएगा हमारा टेंटडैन VBT, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताएगा कैसे। तो देखो, बेरिलियम एटम से शुरुआत करेंगे हम लोग। ओके, इस बेरिलियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है, 1s2 2s2 ओके, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो इसके 1s वाला तो कुछ काम का है नहीं हमारे, ओके 1s को हम लोग लेते ही नहीं है, 2s से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जो 2s2 है ओके, ये 2s और आगे वाला 2p ये हमारे काम का है। ओके, तो इनमें होगा क्या, अब 2s में तो दो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, पर हमारे बेरिलियम को बनाना है दो बॉन्ड क्लोरीन के साथ, तो चाहिए हमें दो वेकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत है, सख्त जरूरत है हमें। तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की सख्त जरूरत है हमें। हाफ फिल्ड कैसे होगा भाई, प्रमोशन करवा दो इलेक्ट्रॉन का, कर दिया प्रमोशन, चलो प्रमोशन करने के बाद ये हमारा जो 2s है इसमें एक बन गया रह गया, 2p है इसमें हमारा एक चला गया, तो अब मिल गए हमें दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब इन दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की हमें जरूरत है ओके, सबसे पहले क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये तो खाली ऑर्बिटल्स है, तो ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये इनका होता है मिलन। अब ये मिलन अलग टाइप का है, ये आपस में ही इनका मिलन हो रहा है, अभी तक बेरिलियम की ऑर्बिटल्स की बात चल रही है, क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ मिलन नहीं हो रहा है, आपस में इनका मिलन हो रहा है, मतलब इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अब देखो 2s2p कंपेरेबल एनर्जीज वाले है, तो इंटरमिक्सिंग हो रही है कंपेरेबल एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स के साथ, क्यों हो रही है इन ऑर्डर टू रिडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जीज, इनके बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके वजह से नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, वो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, करेक्ट। तो अब नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, मैंने बताया था आपको जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ओके, अगर ये मैंने बताया नहीं होगा तो अब समझ लो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हम लोग ने देखा था ओके। और अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हम लोग ने देखा था क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, शेप भी इक्विवेलेंट होता है, एक जैसे शेप होता है ओके। तो यहां पर एनर्जीज तो इनकी एक जैसी हो गई अब ओके, और शेप जो है ओके ये इनका कैसे होता है मैं बता देता हूं आपको। तो शेप, अब पहले 2s का शेप ऐसे था राइट, 2p वाला एक जो ऑर्बिटल है उसका शेप कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है ओके। तो अब हमें पता है कि हेड ऑन ओवरलैप ही होगा, मतलब सॉरी ओवरलैप की बात छोड़ दो, तो 2p वाले के शेप्स ऐसे होते हैं ओके, लोब में होता है, लोब में राइट। पर अब ये एस वाले ऑर्बिटल और पी वाले ऑर्बिटल का मिलन हो गया ना, तो अब इंटरमिक्सिंग होने के बाद शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ओके एक छोटा लोब हो जाएगा ओके, और ये कुछ ऐसा जाएगा ओके बड़ा लोब, और फिर ओके यही बेरिलियम एटम है उसका न्यूक्लियस है, दूसरा ऑर्बिटल का छोटा लोब यहां पर, बड़ा लोब यहां पर ओके। तो इस तरह से इनके ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इस
ओके इस ऐसे सेम शेप वाले ही होंगे और कुछ इस तरह से खुद को अरेंज भी कर लेंगे। अब क्यों कैसे अरेंज कर ले, क्यों अरेंज कर रहे हम लोग देखेंगे। ओके पर इस तरह से अरेंज कर रहे। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स देखो, इनका मिलन हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनमें। ओके आगे बात समझ में। तो यहां पर जो मैंने 2s और 2p दिखाया था, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो थोड़े अच्छे से, 2s और यहाँ पर 2p ऊपर, क्योंकि एनर्जी वाइज थोड़ा सा ऊपर है ये। ओके 2s से 2p राइट, उसके इसीलिए तो 2s के बाद 2p में जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स, आप वो प्रिंसिपल हमको पता होगा। तो ये 2s में दो थे, 2p में कुछ नहीं था, फिर प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन होने के बाद फिर 2p में गया एक। ओके 2s में रह गया एक ऐसे। ओके तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो ये डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप ये वाला ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और एक पी के बीच में, और हमें मिल रहे हैं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? क्योंकि एक एस और एक पी ऑर्बिटल का मिलन हो रहा है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने बने हैं? दो बने हैं, ऐसे समझना है। समझ में आ गया क्लियर के बाद? और ये sp ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, हो गया। अब ये बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो दो ऐसे हैं, इनका इनके पास आप देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके दूसरे वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी सपोज चलो ये इलेक्ट्रॉन है। ओके ऐसे इलेक्ट्रॉन ही है। ओके आगे बस समझ में। अब आएगा हमारा, अब गेम में आएगा हमारा क्लोरीन एटम। तो देखो क्लोरीन एटम, हम दो क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग करवाना है राइट बेरिलियम का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एक ऑर्बिटल हाइब्रिड, दूसरा ये हमारा रहा बेरिलियम। ओके तो क्लोरीन, अब क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन देखोगे तो वो बस शॉर्ट है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का, तो नोबल गैस अटेन कर लेगा। ओके तो बात ये है कि उसके पी वाले ऑर्बिटल्स में पांच इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। ओके सॉरी सात इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, सॉरी पांच इलेक्ट्रॉन से फील्ड है, मैं गलती से वो डी में घुस गया। तो पी ऑर्बिटल्स में देखो एक दो तीन चार पांच, ऐसे पांच इलेक्ट्रॉन फील्ड है क्लोरीन के। ओके थ्री पी वाले, तो उसके पास भी एक थ्री पी का ऑर्बिटल है जो कैसा है, हाफ फील्ड है। यही थ्री पी का ऑर्बिटल क्लोरीन का जो हाफ फील्ड है, वो उसका होगा मिलन हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। ओके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बेरिलियम के। ओके किसका? p ऑर्बिटल का। ओके क्लोरीन के। ओके ऐसे मिलन होगा इनका। ओके और देखो यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था sp वाले के पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो देखो शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया। ओके तो ये बन गया देखो ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये है सिग्मा बॉन्ड। ओके ऐसे ही सिमिलरली एकदम डिट्टो उस तरफ भी क्लोरीन, दूसरे क्लोरीन एटम का 3p वाला ऑर्बिटल। ओके 3p वाला एक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो आएगा और हमारे हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ओके बेरिलियम के ऑर्बिटल के साथ इसका मिलन होगा, और फिर ये भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो कुछ ऐसा हमारा बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, सीएल बीई सीएल ऐसे। अगर यह बात समझ में। अब बॉन्ड एंगल कैसा है, क्योंकि देखो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ना। ओके इस तरह से एकदम एक का मुंह उस तरफ, दूसरे का मुंह मतलब एक ऐसे इस तरफ फेस कर रहा है, दूसरा ऐसे इस तरफ फेस कर रहा है। तो देखो बॉन्ड एंगल जो है इनके बीच में ओके 180 डिग्रीज की होती है ना, दिख रही है ना हमें 180 डिग्रीज की राइट खत्म। ओके तो फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड एंगल बता दिया, तो ज्योमेट्री क्या है इसकी? लीनियर, एकदम स्ट्रेट लाइन में। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है, एसपी की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर मैं बता देता हूं, मैं जिस भी हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत करेंगे उस हाइब्रिडाइजेशन में देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, हर एक हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में वो टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा देखो, ओके एक एस और एक पी ऑर्बिटल का मिलन हो रहा है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए। ओके तो एक एस है मतलब 50% एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर, खत्म। चलो अब देखते हैं इथाइन। अब बेसिक वाला देखा था, अब ये फटाक से एडवांस वाला भी देख लेते हैं, तो फटाफट अपना खत्म हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी में ही, अब ये भी एसपी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ओके इसमें भी क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके अब आई होप आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा मतलब ये सब चीजें, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ, पर टेंथ तक भी आप पढ़ चुके होंगे। ओके आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो मतलब ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो इथाइन मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक एच। ओके ये होता है इथाइन। तो अब इसमें क्या है,
देखो दो कार्बन एटम्स का कुछ मिलन हो रहा है ओके, और ये पर्टिकुलर कार्बन एटम एक एक कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन के साथ भी इसका मिलन हो रहा है। तो चलो हम लोग अब एक कार्बन एटम के बारे में देखेंगे, उसी तरह से दूसरे कार्बन एटम का भी वैसे ही कुछ हाल हो रहा है। तो इस कार्बन एटम के बारे में देखते सेम टू सेम हाल इसका भी है, समझ लेना ओके। तो कार्बन में अब ध्यान से समझना, यहां पर मैं ऐसे एनर्जी लिख रहा हूं ओके, कार्बन में 2s2 2p2 होता है ओके, तो 2s2 2p2 राइट, 1s2 2s2 2p2। तो यहां पर अब क्या होगा, हम इस तरह से ओके, हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, कार्बन का ओके एक बॉन्ड हमारा कार्बन के साथ बनना है ओके, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनना है ओके, पर बाकी के कार्बन के दो जो बॉन्ड्स है ओके, वो इस कार्बन के साथ बन रहे हैं, वो कुछ अलग तरीके से बन रहे हैं। तो होता क्या है इस चक्कर में, पहले सबसे पहले तो प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन का ओके, तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होने के बाद ये जो 2s वाला है ओके, ये 1 हो जाएगा और 2p में चले जाएंगे 3 ओके, तो अब 4 हमारे पास ऑर्बिटल हो गए सिंगली ऑक्यूपाइड ओके। अब इसमें ध्यान देना कि ये जो 4 ऑर्बिटल्स है, इसमें से जो हमारे 2 ऑर्बिटल्स है ओके, दो ही sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, तो एक s और एक ही p यूज होगा, दिमाग में चिपका देना है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो एक s और एक ही p की जरूरत लगेगी, हाइब्रिडाइज होंगे ये एक s और एक p, और क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन को मैं h लिख रहा हूं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे sp ओके, एक s और एक p यूज हो रहा है, तो सेम बेरिलियम क्लोराइड जैसे ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ओके, तो इसमें दोनों में भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो बचे हुए दो पी के ऑर्बिटल्स हैं ओके, इनकी एनर्जी मतलब यहां पर मैं डिनोट करता हूं हायर एनर्जी वाली होंगे ये ओके, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखना ध्यान से, जरूरी नहीं है ये बात समझ में आ गई हो आपको ओके, कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज ही हो, भाई कार्बन को जितनी जरूरत है ओके, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, उतनी ही वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, और इथाइन में उसको बस दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत होती है, क्यों होती है वो आपको अब समझ में आएगा ओके। एसपी दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों चाहिए, तो अब ये दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे ओके, सेम शेप वाले होंगे, सेम एनर्जी वाले होंगे, वो अपने को पता चल गया। अब इनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसे तरीके से होगा कि भाई देखो, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड में था ओरिएंटेशन, उसी तरह से होगा यहां पर भी इनका ओरिएंटेशन ओके, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल एसपी का ओके, दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए ये वाले कार्बन के, क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह से आगे भी एक कार्बन होगा करेक्ट, तो ये भी इसका भी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बात समझ में आ गई, यही कहानी ये वाले कार्बन के लिए भी लगेगी ओके, तो ये भी ऐसे ही दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तक पहुंचेगा, पर इसके पास भी ऐसे दो 2p वाले अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे होंगे, अब ये 2p वाले जो होंगे वो 2px और 2py वाले होते हैं, 2pz वाला जो होता है ना, यहां से ये 2pz वाला यूज हुआ रहता है ओके, हमारे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2px और 2py वाले बचेंगे ओके, तो 2px और 2py वाले कैसे ओरिएंटेड होते, ऐसे ऊपर एक और y वाला ऐसे उस प्लेन में, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर देखो मैं, अब ये हो गया 2px वाला ओके, मैं कुछ अलग कलर से बना देता हूं इनको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ये हो गया 2px वाला और ये हो गया 2py वाला, आगे बात समझ में। वैसे ही इस तरह से यहां पर भी इसके 2py वाला ऑर्बिटल ओके, और ये है 2px वाला ऑर्बिटल, क्लियर हो गई बात। पर ये देखो मैंने p ऑर्बिटल्स ही बनाए, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जैसे नहीं बनाए मैंने, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो उनकी उनकी शेप वैसी वैसी रखेगी मैंने ओके। अब होगा क्या, ये जो है ना कार्बन और ये कार्बन, सबसे पहली बात, दो हाइड्रोजन एटम्स है, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ, राइट, तो यहां पर इस तरफ ओके एक हाइड्रोजन एटम आएगा ऐसे इस कार्बन के साथ, थोड़ा सर्कल बड़ा बन गया मेरे से, बॉन्ड बनाएगा ऐसे ओके, तो यहां पर इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था राइट, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास ये वाले, तो ये वाला ये है, और हाइड्रोजन के पास वाला भी एक रहेगा,
तो ऐसे तो बॉन्ड बन गया। ओके कैसा बना? हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? मैं तब तक भी बताते जा रहा हूं फटाफट ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। सिमिलरली ऐसे ही भी बनेगा यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड। ओके अब ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये जो बीच वाला है वो कार्बन कार्बन वाला जो बॉन्ड है ना ये भी ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं मालूम है क्या? बस इसको ना थोड़ा रफ कर देता हूं। और थोड़ा ना थोड़ा जानबूझ के थोड़ा बड़ा ऑर्बिटल बना देता हूं। ओके ताकि इनका ओवरलैप हो पाए ऐसे। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये जो दो ऑर्बिटल्स थे इनको मैंने क्लोज लेके आ गया, इनके बीच में भी ओवरलैप बन गया। अब देखो ये कार्बन का था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का था 1s वाला। ओके मतलब s ऑर्बिटल था 1s वाला। वैसे ही ये कार्बन का भी sp था करेक्ट, ये वाला ऑर्बिटल ये कार्बन का था 1s वाला। पर यहां पर देखो इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों में मिलन हो रहा है और इनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था बचे हुए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी एक था अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था अनपेड राइट, दूसरे वाले के पास भी सेम ऐसी होगा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलन करेंगे बन गया बॉन्ड। ओके एक्सियल ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। अब आएगी पाई बॉन्ड की मजा। देखो अब पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, देखो ये वाला है px वाला। ओके ये दूसरे वाले px के साथ ऐसे बनाएगा पाई बॉन्ड। ओके तो एक पाई बॉन्ड बन गया। उसी तरह से ये py वाला दूसरे वाले py के साथ बनाएगा पाई बॉन्ड। ओके तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड बन गए, दो पाई बॉन्ड बन गए। तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, तीन बॉन्ड वैसे बीच वाले। आगे बात समझ में? ये तो सिग्मा मैंने बताया, ये भी सिग्मा ही है, खत्म हो गया हाइब्रिडाइजेशन अपना। अब बॉन्ड एंगल आप अगर देखोगे ओके तो यहां पर देखो मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में ही है ये सब चीजें। ओके तो यहां पर हम लोग को उतने डिटेल में जाना नहीं है यहां पर उस उन वाली चीजों में। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इतना डिटेल में नहीं घुसूंगा, अब आपको एक बात क्लियर हो गई, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ओके अब sp2 में आपको समझ में आ गया होगा एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स का मिलन होगा। ओके एक 1s ऑर्बिटल प्लस 2 ऐसे लिख देता हूं क्योंकि वो 1s 2s से कंफ्यूजन होता है ना, तो 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स का मिलन होगा और बनेगा 3 ऐसे लिख देता हूं मैं 3। ओके क्योंकि एक s और दो p मिल रहे हैं तो तीन यहां पर यूज हो रहे हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो तीन बने कौन से? s p के दो है तो एक s का एक है और p के दो है इसीलिए s p 2, तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर हो गई बात? यही इसका बेसिक लॉजिक है। अब यही करवाना है हमें बोरॉन के साथ। ओके bf3 में तो बोरॉन है हमारा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन से पहले 1s2 2s2 2p1 राइट, तो हम लोग लेंगे 2s2 और फिर 2p में एक ही करेक्ट। तो हायर एनर्जी पर है ये थोड़ा बहुत मतलब कंपैरेटिवली, तो हम लोग क्या करेंगे अब हमें BF3 तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनवाना है तो हम तो क्या बोलेंगे भाई हमारा हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है, एक s और दो p यूज होने वाले हैं तो वैसे भी हम लोग को एक s और दो p तो यूज करना ही है प्लस हमें तीन फ्लोरीन आइटम के साथ बॉन्ड भी बनाना है तो हमें तीन फ्लोरीन आइटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए लगेंगे तीन अनपेड तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो इसलिए हम लोग प्रोमोशन करवा रहे हैं। ओके और प्रोमोशन करवाने के बाद यहां पर होगा ऐसे 2s1 2p2 बन जाएगा। ओके ये ऊपर गया तो अब यहां पर आगे इनमें से ओके ये तीनों भी होंगे हाइब्रिडाइज, एक s और 2p वाले ऑर्बिटल्स और बनेंगे बनाएंगे ओके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके कितने? तीन, थ्री यहां पर ऊपर लिखा है मैंने। ओके तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड यू एन एच वाई बी लिख देता हूं मैं, अनहाइब्रिडाइज्ड टू पी वाला ऑर्बिटल। तो अब ये हो सकता है पी एक्स हो सकता है या फिर पी वाई भी हो सकता है। ओके दोनों में से कोई भी हो, एक हो सकता है। क्लियर हो गई बात? पी जेड वाला तो यूज हो जाएगा। ओके पी एक्स या फिर पी वाई में से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब आगे देखते हैं तो यहां पर
हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों का हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया, ये तो खाली है, इसका तो कुछ अब काम है नहीं हमें, क्योंकि ये तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बने हैं, तो अब ये इस इक्वल एनर्जी वाली है और शेप भी इनका तो सेम ही हमें पता ही है, ओके, बड़ा लोब छोटा लोब, पर ओरिएंट इस तरह से होंगे कि भाई हमारा जो बोरॉन है, ओके, ये एक ओरिएंट इस तरह से होगा, दूसरा ओरिएंट इस तरह से होगा, ओके, और तीसरा ओरिएंट इस तरह से होगा, ओके, ऐसे जिस तरह से ओरिएंट हो गए आपको समझ में आया होगा, 120 डिग्री एंगल है तीनों के बीच में, ओके, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है इनमें है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन का किस्म भी सेम, जैसे कि हमारे क्लोरीन के किस्म में 3p वाला था, फ्लोरीन के किस्म में 2p वाला ऑर्बिटल जो एक है, एक 2p वाले ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वही आएगा, ओके, उसका ही मिलन होगा इसके साथ, ओके, एक तरफ से, ओके, यहां से ऐसे समझ लो मिलन हो गया, ओके, फ्लोरीन वाला, और यहां से ऐसे मिलन हो गया, ओके, फ्लोरीन वाला, तो ऐसे अब आपको क्लियर हो गई रहेगी ये कॉन्सेप्ट, तो बॉन्डिंग हो जाएगी बोरीन सॉरी बोरॉन फ्लोरीन के साथ, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन गया, ओके, अब देखो हेड-ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, क्लियर हो गई बात, बॉन्ड एंगल देखते हैं, ओके, तो एफ बी एफ के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 120 डिग्रीज, फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया, बॉन्ड एंगल से हमें ये पता चलता है कि इसका शेप मतलब इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, बी ई सी एल टू का था लीनियर, इसका है ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, अब इसी जैसे इसके ही जैसे हम लोग आगे ओके इथिन का देखेंगे सेम, ओके, 1s प्लस 2p सेम 2p ऑर्बिटल्स मिलन होगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, अब इथिन का केस में जैसे हम लोग ने इथाइन में देखा था, ओके, इथिन में होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, ऐसे होता है, तो यहां पर दो हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ये वाला कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने वाला है और दो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाने वाला है, ओके, किस तरह से बनेगा ये दिमाग में रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना इथिन का, तो दिमाग में रखना है तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, ओके, जिसमें से कंट्रीब्यूशन एक s का होगा और दो p ऑर्बिटल्स का होगा, तो सेम कार्बन का फिर से, ओके, 1s2 वैसे 2s2 और 2p2, ओके, तो ऐसे, ओके, एनर्जी में सेम वही डायग्राम आप हमेशा बना सकते हैं, ऐसे बना के रख सकते हैं, तो 2s सॉरी मैंने यहां पर उल्टा लिखा 2s2 2p2 प्रमोशन करवाएंगे हम लोग, यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो प्रमोशन के बाद सेम 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2p में, इसमें एक ही, ओके, अब इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें क्या होगा, इन तीनों का ही मिलन होगा, 1s और 2p, ओके, 1s और 2p ये अनहाइब्रिडाइज्ड वैसे ही रह जाएगा, ओके, तो ये px या फिर py दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ओके, तो अब यहां पर ये होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमें मिलेंगे ये तीन, ओके, 3 ऐसे लिखते हैं हमें 3, ओके, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक कार्बन की कहानी है, ऐसी कहानी दूसरे कार्बन की भी है, समझ लेना, ओके, सेम टू सेम कहानी, अब सेम टू सेम कहानी में क्या होगा, देखो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है किस तरह से अरेंज होंगे, ओके, ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि देखो हमारा एक कार्बन है, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, तो एक ऐसा इस तरफ जाएगा, दूसरा ऐसा इस तरफ जाएगा, ओके, और तीसरा जो है, ओके, ये ऐसा इस तरफ आएगा, ओके, तो हो गया देखो ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, उसी तरह से कार्बन, दूसरा वाला जो कार्बन है, ओके, इसका भी कुछ एक ऐसा इस तरफ, ओके, दूसरा ऐसा इस तरफ, तीसरा ऐसा इस तरफ, तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, जैसे बी अपना F3 था वैसे ही, ओके, अब जो दो है ऐसे टर्मिनल वाले, ओके, जो अनहाइब्रिड जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, ये इनका मिलन होगा हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ओके, 1s वाले, तो इसका 1s ऑर्बिटल, इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम 1s ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, 1s किसका, sp2 किसका, आपको पता चल गया होगा, तो ऐसे चार बॉन्ड बन गए, देखो CH2 में इस कार्बन के दो हाइड्रोजन के साथ बन गए, दो हाइड्रोजन के साथ बन गए, अब कार्बन के एक दूसरे के साथ दो बॉन्ड कैसे बनेंगे, देखो दिमाग लगाते, अब यहां पर मैं ओवरलैप हटा देता हूं, अब इनको इनका भी मैं मिलन करवा दूंगा, तो कैसे मिलन होगा, देखो ऐसे और ये ऐसे, ओके, थोड़ा बड़ा बन गया ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड जो होंगे एक्सियल ओवरलैप ही हो रहा है,
यहां पर अभी अभी तक तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, अब आगे आएगा मजा, क्योंकि मैंने बोला था ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो था इसमें से एक तो पीएक्स हो सकता है या फिर पीवाई हो सकता है। ओके, एक्सिस पर पीजेड वाला ही बना रहा है ना। ओके, तो हम लोग कन्वेंशनली पीजेड को एक्सिस पे लेते हैं ना, तो इसीलिए मतलब पीजेड वाला यूज हो जाता है, पीएक्स या फिर पीवाई वाला होगा। तो पीएक्स या फिर पीवाई वाला एक तो ऊपर हो सकता है, ओके, ऐसे दूसरे कलर से बना देता हूं थोड़ा ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे ऊपर एक होगा। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके, इस कार्बन का जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही दूसरे कार्बन का, ओके, इनमें होगा मिलन, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। ओके, तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, देखो एक सिग्मा एक पाई और ये दोनों भी सिग्मा बॉन्ड्स है। ओके, दोनों भी सिग्मा है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात, तो कैसा फॉर्मेशन हो गया, ओके, और कैसे बॉन्ड्स बन गए इनके। चलो अब आते हैं हमारे तीसरे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर, sp3 पर। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल हम लोग इसमें आएगा मिक्सिंग होने के लिए और तीन p ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे और बनेंगे फोर। कौन से, एक s आया तो s तीन p आया, इसलिए p के ऊपर थ्री, फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसे याद रखने। ओके, क्लियर हो गई बात। कितने यूज हो रहे हैं उतने ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने यूज हो रहे हैं उसके हिसाब से अपन को सुपरस्क्रिप्ट देना है, s1 p3, सिंपल। तो अब इस तरह से मीथेन से शुरुआत करते हैं, मीथेन में कार्बन फिर से वही, ओके, 1s2 2s2 2p2 ओके सॉरी 2p2। तो अब क्या होगा, यहां पर चार बन रहे हैं हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके, और चार बॉन्ड भी बताओ बनाने हैं हमारे हाइड्रोजन के साथ। और ये बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये तो एक्सियल ओवरलैप वाले बॉन्ड है, तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये प्रोमोशन हो जाएगा, ओके, 2s में से 2p में, ओके, एक यहां पर एक दो थे, ओके, एक वहां पर गया, तीन हो गए, राइट। तो पूरे के पूरे चार ऑर्बिटल्स जिनमें हाफ फील्ड है वो, अब इनमें ये चारों के चारों इन्वॉल्व होंगे हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन, ओके, सॉरी मैंने थोड़ा लाइट कलर यूज कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, होने के बाद ये बनेंगे ऐसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने कितने कितने, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का काम क्या है, ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके जो, ये ऐसे अरेंज होगा कि ये टेट्राहेड्रन जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये कार्बन है हमारा, ओके, एक ऊपर दूसरा ऐसे यहां पर नीचे पर उसके ही प्लेन में, ओके, एक ऑर्बिटल आगे आएगा ऐसे आगे वाले प्लेन में और एक ऑर्बिटल जाएगा पीछे वाले प्लेन में, ओके, कार्बन का। तो ऐसे चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे और फिर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ इनका होगा मिलन। तो 1s और sp3, ओके, ऐसे मिलन होगा इनका और आपको पता है हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बन गई, खत्म। ओके, तो CH4 ऐसा बन गया। ओके, अब ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, जैसे वेस्पर में देखा था हम लोग ने वही, और ज्योमेट्री है इसकी टेट्राहेड्रल, राइट, दिख रहा है टेट्राहेड्रन जैसे, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। क्लियर हो गई बात, ये CH4 की यही बात थी। आगे बढ़ते हैं अमोनिया पर। तो अमोनिया के केस में भी सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अमोनिया अब कार्बन नाइट्रोजन, तो 2s2 2p3, ओके, तो अब यहां पर ध्यान देना हमें तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनानी है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन होगा चारों ऑर्बिटल्स का, ओके, देख लेना समझ लेना भैया, चारों भी ऑर्बिटल्स का। तो sb आएंगे, 3p भी आएंगे। अब हम लोग प्रोमोशन भी करवा दे, मतलब प्रोमोशन करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि सारे p वाले तो है फील्ड, ओके, अब यहां से यहां उठा देंगे तो कोई ना कोई एक तो बचेगा ही, मतलब कोई ना कोई एक तो रहेगा ही जो कंप्लीटली फील्ड है, तो भाई ऐसी क्यों ना हो कंप्लीटली फील्ड। ओके, तो यहां पर प्रमोशन तो
होगा नहीं, यहां पर डायरेक्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, प्रमोशन क्यों नहीं होगा, समझ में आ गई बात? ओके, क्योंकि किसी में भी होगा तो भी वो एक ना एक कोई ना कोई तो फील्ड रहेगा ही, तो प्रमोशन नहीं करेंगे हम लोग। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर तो चारों के चारों यूज हो जाएंगे, एस एक एस तीन पी, और ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें एक होगा कंप्लीटली फील्ड वाला और तीन होंगे हाफ फील्ड वाले। ओके, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, सेम टेट्राहीड्रल शेप, मतलब टेट्राहीड्रन जैसे ही इनका अरेंजमेंट होगा, तो ये एक ऐसा ऊपर, ओके, दूसरा उसके ही प्लेन में, तीसरा थोड़ा आगे, और चौथा थोड़ा, मतलब थोड़ा पीछे प्लेन में। ओके, अब जो ऊपर रहेगा ना उसमें ही होगा ये इलेक्ट्रॉन का पैर बैठा हुआ। ओके, ये है हमारा नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। अब बाकी का तो आपको पता चल गया होगा, आप इतने समझदार तो हो ही कि ये तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, ये हाइड्रोजन के एक एक 1s, मतलब 1s ऑर्बिटल के साथ जिसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उनका मिलन होगा, शेयरिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बन गया बॉन्ड इसके बीच में 1s और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ऐसे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। पीछे जाके देखेंगे हम लोग कार्बन के केस में भी सारे सिग्मा बॉन्ड्स, ये देखो, क्योंकि ओवरलैप कैसे हो रहा है, एक्सियल ओवरलैप ही हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही ओवरलैप हो रहा है, राइट, ये न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ऐसे, तो ऐसे समझना है हमें, करेक्ट। अब बात ये हो गई कि ये तो ठीक है भाई, फॉर्मेशन तो समझ में आ गया, पर ज्योमेट्री की जब बात करेंगे हम लोग तो होता क्या है, देखो यहां पर ये जो हमारा लोन पेयर है ना, ओके, इसको हम लोग देखते नहीं है ज्योमेट्री को बताने के लिए। ओके, वो होता एक्चुअल में ये बात हो जाती है कि लोन पेयर को छोड़ के हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो टेट्राहीड्रन है, ओके, उसके एपेक्स पर लोन पेयर नहीं है, उसके एपेक्स पर नाइट्रोजन का एटम है। वैसे हमारा जो CH4 का टेट्राहीड्रन था उसके एपेक्स पर हाइड्रोजन का एटम था, एपेक्स मतलब टॉप पर। ओके, तो ऐसा ये जुड़ रहा था यहां पर, ये जुड़ रहा था यहां पर, देखो ऐसा, ओके, मतलब ऐसा दिखाता हूं मैं, ऐसे जुड़ रहा था इसके साथ और इसके साथ ऐसे जुड़ रहा था। ओके, तो ये भी तीन एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ रहे थे। ओके, तो ये अपना टेट्राहीड्रन बन रहा था ऐसा, पर यहां पर एपेक्स में है नाइट्रोजन एटम। ओके, तो ये ऐसे 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 बनेगा टेट्राहीड्रन। ओके, ऐसे ये इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, ट्रायंगुलर बेस होता है टेट्राहीड्रन का, और ये ऊपर नाइट्रोजन, तीनों भी ऐसे हाइड्रोजन एटम्स के साथ ऐसे। ओके, तो ये टेट्राहीड्रन है, लोन पेयर को हम लोग कंसिडर नहीं करते, पर हम लोग फिर ऐसे ज्योमेट्री को फिर टेट्राहीड्रन नहीं कहते। ओके, ये तो बन गया देखो ट्राइगोनल पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन अमोनिया की, सॉरी, शेप को ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। ओके, यही फर्क है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में और ट्राइगोनल पिरामिडल वाले स्ट्रक्चर में। ओके, टेट्राहीड्रल वाले स्ट्रक्चर में एपेक्स पर एटम होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल वाले स्ट्रक्चर में सेंटर वाला जो हमारा एटम है वही एपेक्स पर होगा। ओके, यहां पर मीथेन के केस में सेंटर वाला एटम सेंटर पर ही है, जो कार्बन है एपेक्स पर जो एटम है वो एपेक्स वाला है, यहां पर एपेक्स पर जो लोन पेयर है वो नहीं होता। ओके, वो एपेक्स पर नहीं होता हमारे ज्योमेट्री के, एपेक्स पर होता है हमारा सेंट्रल वाला एटम, तो सेंट्रल वाला एटम होने की वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल हम लोग ज्योमेट्री बोल देते हैं। यही फर्क है ट्राइगोनल पिरामिडल और टेट्राहीड्रल में। ओके, तो आपको ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि देखो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 107 डिग्रीज। ओके, ये हम लोग पढ़े हैं वेस्पर में भी। ओके, तो ये 107 डिग्रीज क्यों होता है ये भी वेस्पर में पढ़ा है हम लोग ने डिटेल में अच्छे से, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ओके, जो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ओके, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, इसीलिए अंदर किसका देते हैं तो एंगल 109 से। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में जब 109 होगा इनके रिपल्शन की वजह से अंदर किसके का तो कम होगा, एंगल 107 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर्मेशन, ज्योमेट्री और एंगल। इसी तरह से वाटर में भी, ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम, यहां पर सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लेके चलेंगे हम लोग, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो 2p4 होता है। ओके, 1 2 3 4, 2s2 तो वैसे ही रहेगा, तो यहां पर अब कोई भी प्रमोशन होगा नहीं। तो एक बात हम लोग ने पिछले वाले एग्जाम्पल से ये सीखी कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जिन ऑर्बिटल्स का होता है, जरूरी नहीं कि वो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ऑर्बिटल्स का ही हो जो हाफ फील्ड हो। ओके, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स का भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। वैसे ही यहां पर भी ऑक्सीजन के केस में कंप्लीटली फील्ड ये दो ऑर्बिटल्स है, पर फिर भी ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बनाएंगे हमारे चार
ओके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें दो होंगे फिल्ड, ओके दो होंगे हाफ फिल्ड, ओके ये अवेलेबल होंगे फॉर बॉन्डिंग, ये तो हो गए लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के केस में भी ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट होगा, ओके ऐसे दिखा देता हूं, ये है ऐसा एक लोन पेयर, ओके ये पीछे जाने वाला लोन पेयर, ओके और यहां पर एक ऐसा सेम प्लेन वाला यहां पर, ओके मतलब यहां पर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, ओके यहां पर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, ओके और फिर इनका मिलन होगा हाइड्रोजन वाले एटम ऑर्बिटल्स के साथ जो 1s वाले हैं, मिलन होने के बाद आपको पता ही है अब ये चीज बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में सिग्मा वाला। पर अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है, आप ध्यान से देखना ये लोन पेयर को हम लोग नहीं देखते, ओके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, पर यहां पर ज्योमेट्री कैसी है देखो, बेंड हुआ है स्ट्रक्चर हमारा वाटर का, HOH ऐसा बेंड स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम लोग एंगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं वाटर की, ओके एंगुलर होती है, ध्यान देना, ओके भले अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर और हमारे मतलब जो अरेंजमेंट है हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का भले वो टेट्राहेड्रन जैसे है, पर हमारी ज्योमेट्री एंगुलर है, ओके हम लोग यहाँ पर लोन पेयर्स को नहीं देख रहे, ओके ज्योमेट्री बताने के टाइम पर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एंगल है 104.5 डिग्री, जिसका भी रीजन हम लोग ने देखा था वेस्पर में ही कि भाई साहब होता क्या है जब CH4 के केस में एंगल होता है 109.5, अमोनिया के केस में HNH एंगल जो होता है ये होता है 107, ओके यहां से यहां एंगल कम क्यों हो रहा है हम लोग ने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, ओके क्योंकि यहां पर क्योंकि ये देखो वेस्पर में भी मैंने समझा था CH4 के केस में सारे के सारे जो है ओके बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन सिमिलर है, यहां पर देखो एक लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, तो बॉन्ड पेयर का अंदर खिसका दिया, वैसे ही यहां पर देखो दो लोन पेयर से और हम लोग ने पढ़ा है लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से, ओके लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से जो ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से, ओके तो इसका मतलब यहां पर लोन पेयर रिपल्शन सी थे सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहां पर अमोनिया के केस में, अब यहां पर तो लोन पेयर रिपल्शन है, ओके लोन पेयर जो ज्यादा है इनसे, ओके लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, तो फिर रिपल्शन यहां पर जितना हो रहा था, ओके इससे कई ज्यादा रिपल्शन यहां पर होगा, अगर कई ज्यादा रिपल्शन यहां पर होगा तो यहां पर तो रिपल्शन जितना हो रहा था अंदर कितना खिसक रहा था, यहां पर तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है ना इससे भी, तो और अंदर खिसकेगा तो फिर एंगल और कम हो गया। आगे बात समझ में, एंगल इसका वाटर के केस में HOH का एंगल अमोनिया से कम क्यों है, इस तरह से समझना है चीजों को, कि हमें समझना है चीजों को, हमें किसको समझाना नहीं है या फिर लिखते नहीं बैठना है, राइट नीट में हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, बाकी का काम तो अपना, वो अंडरस्टैंडिंग कितनी अपनी अच्छी है वो समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके और जब बात लिखने की होगी तो आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लिख भी पाओगे, इंग्लिश ही तो लिखना है और थोड़ी कन्नड़ा थोड़ी लिखना है या फिर मराठी थोड़ी लिखना है या फिर गुजराती थोड़ी लिखना है, राइट। तो चलो अब आते हैं इथेन के ऊपर, ओके ये अपना sp3 का लास्ट एग्जांपल है, फिर sp3 को टाटा बाय बाय बोल देंगे हम लोग, ओके तो इथेन में अब इथाइन समझ में आ गया, इथेन क्या ही चीज है अब, मतलब समझने के लिए, मतलब ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं पर बता रहा हूं कि इथेन अब हमको थोड़ा आसान जाएगा समझने के लिए। देखो तो इथेन CH3CH3 ऐसा होता है, राइट, तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, कार्बन के बॉन्ड तीन हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, एक कार्बन के साथ बनेगा, ओके सिंपली एकदम। तो यहां पर मैं एक कार्बन के बारे में बात करूंगा, दूसरे वाले कार्बन के बारे में सेम ही बात होगी, ओके कार्बन 1s2 2s2 2p2, ओके तो हो गए 2226। वैसे तो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, तो एनर्जी जो है, ओके यहां पर होगा प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद ओके हाइब्रिडाइजेशन होगा किनका, एक 2s का बाकी के तीन 2p का, क्योंकि देखो sp3 में हमको पता है, ओके जो एक चीज पता होनी चाहिए हमें कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस का होने वाला है वो हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगा, ओके कौन से ऑर्बिटल का हो रहा है, तो एक s 3p तो जुड़ेंगे बनेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां पर तो चारों के चारों हाफ फील्ड है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे रहेगा, देखो यहां पर एक ऐसा ओरिएंट होगा, ओके टेट्राहेड्रल का एक कॉर्नर इस तरफ, बाकी के तीन कॉर्नर्स कुछ ऐसे जाएंगे,
ओके, इसी कार्बन के, इसी तरह से इस कार्बन का भी कुछ ऐसा ही होगा। ओके, एक यहां पर, बाकी के तीन कॉर्नर्स यहां पर ऐसे। तो देखो मैंने ऐसा ऐसा टेट्राहेड्रन बना दिया, इसको आप करके ऐसे सीधा कर दो तो मिल जाएगा आपको टेट्राहेड्रन। ओके, इसको भी आप अगर ऐसे ऐसे खींच के मैं ऐसा सीधा कर दो, ऐसा मेरे पास अगर होता कुछ तो मैं बिल्कुल करके दिखा देता, तो आपको टेट्राहेड्रन दिख जाएगा। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ही इनके चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे, पर जब बॉन्डिंग होगा तब टेट्राहेड्रन का ऊपर का टोक जो है, मतलब एपेक्स है, ओके, दोनों का भी ऐसे झुक जाएगा और ऐसे ओवरलैप होगा एक कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहां पर अब मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इरेज करने दो, ये थोड़ी कलाकारी अलग रहती है। तो ऐसे फिर होगा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, ओके, सॉरी ओवरलैप हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ओके, तो ये बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से बाकी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, देखो बाकी का हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये 1s हाइड्रोजन के साथ ऑर्बिटल के साथ बनाएंगे बॉन्ड। ओके, तो ये हो गए तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। उसी तरह से यहां पर भी तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, ओके, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे इसका मीथेन का इथेन का सॉरी फॉर्मेशन होगा। देखो कुछ पाई बॉन्ड वगैरह है नहीं, एकदम सिंपल सिग्मा 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 सिग्मा, सब सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ओके, ये सारे सिग्मा, ओके, ये भी सिग्मा। चलो तो अब हम लोग आते हैं VBT के लास्ट पार्ट पर, जो है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहां पर अब अभी तक हम लोग ने एस और पी ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स देखे थे, अब हम लोग देखेंगे एस पी और डी ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। मतलब ये sp और d ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके, बनेंगे कौन से कंपाउंड में बन रहे वो हम लोग पढ़ेंगे। अब तो दो ही एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कि क्या होता है। कुछ कुछ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ना आप पढ़ोगे आगे, हम लोग जब हर एक ग्रुप को देखेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ थर्ड पीरियड एलिमेंट, जैसे कि सपोज एग्जांपल सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो, इनके पास ना जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये इनको एक्सेस कर पाते हैं। ओके, जैसे कि पास हमारे पास इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वैसे इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, भले ये थर्ड पीरियड वाले हैं, 3s और 3p में ही इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और इनका पेट भर जाता है, डकार आ जाती है इनको, फिर भी इनकी इच्छा होती है कि भाई हम 3d भी यूज करें। ओके, तो ये करते हैं ओके, ऐसे थर्ड रो वाले एलिमेंट्स। तो इनमें इन वाले एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो होता क्या है, देखो अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मजेदार चीज ये है कि जो 3d वाला जो ऑर्बिटल है हमारा, 3d वाला जो सबशेल्स है, ओके, इसकी जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज कंपेरेबल है दोनों 3s और 3p के साथ भी, और 4s और 4p के साथ भी, सॉरी 4s और 4p के साथ भी, मतलब कंपेरेबल एनर्जीज है इसकी, इन जैसे भी थोड़ी बहुत एनर्जीज है और इन जैसे भी थोड़ी बहुत एनर्जीज है, मतलब ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका इन दोनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल से और इन दोनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल से, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखो हम लोग को पता है हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, कंपेरेबल एनर्जीज वाले, तो इसीलिए ये जो 3d वाले 3s और 3p के साथ भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और 4s और 4p के साथ भी करते हैं। तो 3d 3s और 3p के साथ कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं, s का एक, s का तो एक ही आ जाएगा, p के तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर d का एक सपोज, तो sp3d ऐसा वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने बनेंगे, देखो एक s, 3p मतलब चार ऑर्बिटल्स है हो गए इन्वॉल्व, और d वाला एक मतलब पांच, तो पांच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो हो जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, s छोटा ही है। ओके, इसी तरह से जब छह ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक s, 3p, ओके, एक s, तीन p के पूरे के पूरे तीन, और d में से दो भी आ जाते हैं, तो हो जाएगा देखो चार और छह, तो छह sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं तो ये होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये दोनों हम लोग सीखेंगे अभी दो मिनट में, मतलब दो मिनट के बाद। अब ये जो है 3d 4s और 4p, इनका ये अगर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, ओके, ये तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो कैसा होता है, एक तो dsp2 होता है, d में से एक आएगा, ओके, s में से एक आएगा, p में से दो आएंगे, ओके, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनमें चार dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, देखो एक दो तीन चार, वैसे ही d 2
sp3 ऐसा वाला भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, d2sp3 वाला, ओके, जिसमें d के दो इन्वॉल्व होंगे, ओके, s का तो एक ही होगा बेचारे का, और p के पूरे तीन हो जाएंगे, ओके, तो d2sp3 में देखो, दो एक तीन और तीन छह, तो छह d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ओके। पर अब ये जो dsp2 और d2sp3 है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग सीखेंगे, ओके, यहां पर हम हमारा दिमाग उसमें नहीं यूज करेंगे, ये वाला dsp2 और d2sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशंस वहां पर हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहां पर sp3d और sp3d2 हम लोग देखेंगे, sp3d pf5 देखेंगे, ओके, pf5 सॉरी, और sp3d2 में sf6 देखेंगे हम लोग, ओके, pf5 या फिर pcl5, ओके, sf6 देखेंगे sp3d में। चलो अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, सॉरी pcl5 का। तो pcl5 में देखो फास्फोरस हमारा, इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके, तो एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो फास्फोरस में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे 3s, फिर आएंगे 3p और फिर आएंगे 3d पर, ओके, क्योंकि हम लोग ने देखा था sp3d में 3s 3p और 3d इन्वॉल्व हो रहे थे, देखो पिछले वाले स्लाइड में, ओके, sp3d में 3s, 3p और 3d इन्वॉल्व हो रहे थे, ओके, हमारे ऐसे थर्ड रो वाले एलिमेंट्स के केस में, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस वगैरह वगैरह, ओके। अब यहां पर s3s में है 2 और हमें पता है फास्फोरस में 3p में होता है 2, राइट, नाइट्रोजन जैसे ही इसका कॉन्फिगरेशन होता है 2s2p3, 2s2p3 वैसे ही 3s2 3p3, ओके। अब हमें दिक्कत यह है कि हमें 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है ना, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, प्रोमोशन करवाते हैं, डी में जाता है इलेक्ट्रॉन, ओके, तो प्रोमोशन करवा देने के बाद इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन हो गया, इलेक्ट्रॉन खुश बोलेगा यार मेरा प्रोमोशन हो गया तो मैं बहुत नाच रहा हूं, तो मैं गया मैं डी में, ओके, तो यहां से एक गया, ओके, और बीच में तीन बरोबर है। अब ये 5 ऑर्बिटल्स, एक s 3p 1d हो गए हाइब्रिडाइज, ये रह गए अनहाइब्रिडाइज्ड, ओके, अनहाइब्रिडाइज्ड, तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद ये ऐसे 5 1 2 3 4 5, ओके, एक हर एक के में, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है भरा हुआ, 1 2 3 4 में भी ऐसे, ओके। तो यहां पर इनके केस में 5sp3d, ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये मैं आपको लिख देता हूं एक बार, तो ये इस तरह से अरेंज होंगे अब कि भाई साहब इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड भी बना सके, ऐसे कि भाई रिपल्शन कम से कम हो, तो होता है सबसे अच्छा अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो वेस्पर का, वेस्पर सीखने की चीज है जो फायदे में आ रही है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ओके, वेस्पर सीखने की चीज फायदे में कब आ रही है, वीबीट सीखने में, हम आप फटाफट शेप्स बता पा रहे, ओके, तो कैसे अरेंजमेंट होगा हमको ऑटोमेटिकली पहले से पता है, ओके, तो फास्फोरस यहां पर है, सपोज मैं डॉट में ऐसे लिख देता हूं, ऊपर फास्फोरस बाद में लिख दूंगा मैं, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे इस तरफ, ओके, उसी तरह से ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, तो एक प्लेन में तीन क्लोरीन ऐसे जुड़ जाएंगे, एक ऊपर जाएगा क्लोरीन, ओके, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक नीचे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे, ओके, तो अब यहां पर ये देखो एक प्लेन में आ गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ओके, ऐसे, ओके, ऐसे 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 ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब यहां पर हम लोग बना देते हैं क्लोरीन के भी बिचारों के ऑर्बिटल्स, ये एक ऐसा ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है और ओवरलैप हो रहा है, ओके, तो ऐसे हमें पता है कि क्लोरीन का कौन सा ओवरलैप होगा, 3p वाला, राइट, 3p में एक 3p वाला ऑर्बिटल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, बाकी के दोनों में तो फील्ड होंगे क्योंकि 3p5 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, तो 1 2 3 4 5, तो एक में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा, और हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी एक है, इन दोनों का एक एक का मिलन होगा, ओके, बॉन्ड बना देंगे, शेयरिंग करेंगे मस्त, ऐसे 5 फॉस्फरस और क्लोरीन के बॉन्ड्स बन जाएंगे, ओके, जो क्या होंगे, देखो एक्सियली ओवरलैपिंग हो रही है, देखो ये न्यूक्लियस एक्सियल ओवरलैप हो रहा है, वैसे ही सबके केस में सिग्मा 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 सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे पांचों के पांचों। अब मजेदार चीज इसमें ये है कि हम लोग ने तो फॉर्मेशन देख लिया, ज्योमेट्री भी देख ली कि अब कैसा है ज्योमेट्री, देखा मैंने बताया ट्राइगोनल बायपिरामिडल, पर मजेदार चीज ये है कि ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है फॉस्फरस और क्लोरीन, ओके, मैं ऐसे दिखा देता हूं, अब ऐसे एक्सियल बॉन्ड्स और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स,
ओके okay, अब हमको पता है, हम लोग ने वेस्पर में सीखा है, ये जो प्लेन होता है उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, ये वाला प्लेन ओके okay, बीच वाला है ना, इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर, ऐसे कुछ नाम दे देते रहते हैं ये लोग ओके okay, हमको बस समझना है इक्वेटोरियल प्लेन बीच वाला, मिडल प्लेन ऊपर है ये, तो एक्सियल बॉन्ड्स है ये, तो इक्वेटोरियल प्लेन में जो बॉन्ड्स है इनको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ओके, फॉस्फरस क्लोरीन के, और ये जो है दोनों ये है एक्सियल बॉन्ड्स। अब बात ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये पाई गई है हमारे एक्सपेरिमेंट द्वारा, हमको ये समझ में आ गया कि भाई फॉस्फरस और क्लोरीन के जो एक्सियल बॉन्ड्स है ओके okay, ये बॉन्ड्स ये है लेंथ में लॉन्गर देन दिस इक्वेटोरियल फॉस्फरस क्लोरीन बॉन्ड्स ओके। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ लॉन्गर है देन इक्वेटोरियल फॉस्फरस क्लोरीन बॉन्ड्स। अब ऐसा क्यों है भाई साहब? अब देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते कि ये लेंथ की बात चल रही थी, अब क्योंकि लेंथ बॉन्ड की लॉन्गर है तो ये तो आपको बात समझ में आई होगी कि अगर कोई भी चीज लंबी है, च्युइंगम ले लो, अगर च्युइंगम को आप दूर तक खींचोगे तो च्युइंगम को तोड़ना आसान हो जाएगा, राइट। वैसे ही अगर च्युइंगम कंडेंस करोगे तो च्युइंगम को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। तो वैसे ही बॉन्ड की भी लेंथ, अगर च्युइंगम जैसे बढ़ा दी जाए तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड्स अगर ग्रेटर है देन इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा बड़े है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो एक्सियल बॉन्ड की एक्सियल बॉन्ड की जो एनर्जी है या फिर एक्सियल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी जाने दो, एक्सियल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीकर है ओके देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ओके। बॉन्ड स्ट्रेंथ लंबा है एक्सियल बॉन्ड तो फटाक से टूट जा सकता है, तो एक्सियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ओके। अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पर देखना, ये है बॉन्ड पेयर ओके, ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओके, मैं ऐसे दिखा रहा हूं इसको जानबूझ के ऐसे ओके। तो होता क्या है, यहां पर ये जो तीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ओके, फॉस्फरस क्लोरीन को ये इनको रिपेल कर रहे ऐसे इन बॉन्डेड पेयर को ओके। तो इस बॉन्ड पेयर को इन तीनों से रिपल्शन आ रहा है ओके okay, तो इन तीनों से रिपल्शन आएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर को ये बॉन्ड पेयर दूर जाएगा, तो बॉन्ड कैसा होगा, खींचेगा, तनाव आएगा, स्ट्रेच होगा, बॉन्ड खींचेगा, दूर जाएगा, लंबा होगा बॉन्ड, और इसीलिए बॉन्ड लेंथ इनका बड़ा है। अब इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा है एक्सियल बॉन्ड्स का, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा है। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गई। चलो अब लास्ट वाला हम लोग टाइप देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का समाप्त हो जाएगा ओके। तो sp3d2 ओके, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन शो होता है sf6 द्वारा, देखते हैं कैसे शो कर रहा है भाई साहब ये, तो सल्फर है ओके, एनर्जी डायग्राम में बना देता हूं ओके। तो सल्फर के केस में 3s 3p फॉस्फरस के बाद सल्फर आता है राइट, तो 3s 2 3p 3 था फॉस्फरस, 3p 4 हो जाएगा सल्फर ओके। तो 3s2 3p4 और 3d में ऐसे ही खाली बैठा होगा उनका सारे ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, s में से एक शिफ्ट हो जाएगा d में और p में से भी एक शिफ्ट हो जाएगा, जो भी पेयर्स है ना वो अनपेयर्ड हो जाएंगे s और p वाले ओके। तो शिफ्ट होने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ओके। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स में हमें मिलेंगे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और ये ही 6 ऑर्बिटल्स मतलब 1s 3p वाले ओके और 2d वाले, 1s 3p और 2d वाले मिलन होगा इनका ओके, हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर तो प्रमोशन हो गया, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, और फिर 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ओके, सारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा हमें sp3d2 मिल जाएगा, sp3d2 करेक्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने 6 ओके। और ये 6 अब ये बच गए वो है अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये जो 6 है ये कुछ, तो यहां पर ऐसा एक यहां, ऐसा यहां पर ओके, ऐसा यहां पर और ऐसा यहां पर ओके, एक ही प्लेन में ओके, 4 कॉर्नर्स पर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये वाले ऐसे समझ लो, और ये जो दो बचे हुए हैं उसमें से एक जो जाएगा वो ऊपर जाएगा, एक जो आएगा वो नीचे आएगा, खत्म। तो ऐसा होगा सल्फर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट इस तरह से कि वो है वो ऑक्टाहेड्रल है ओके, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। और फिर बाद में है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के 2p वाले राइट, 1s2 2s2 2p 5 होता है, तो 2p वाले
ऑर्बिटल जो एक होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मिलन होते जाएगा अब ये सल्फर एटम के हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ। तो ऐसा मिलन हो गया, ऐसा मिलन हो गया। अब तो आप माहिर हो गए रहेंगे मिलन करवाने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आती होगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स मैंने कवर किए हैं ताकि आपको कोई भी एग्जांपल में फॉर्मेशन कैसा हुआ इसमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो देखो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ओके, तो s 1 2 3 4 5 6 sf6, ऐसा इनका बॉन्डिंग होगा। ओके, शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इनका। क्लियर हो गई बात? तो मैंने ज्योमेट्री भी यहां पर लिख देता हूं, ऑक्टाहेड्रल। ओके, फॉर्मेशन हो गया और ज्योमेट्री भी हो गई। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आए हैं इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ वीबीटी सीखने में। इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने पूरा सिर्फ वीबीटी ही कवर किया है, सारे एग्जांपल्स देखे हैं ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वीबीटी और एमओ वाले डायग्राम्स को। ओके, तो इसीलिए हम लोग ने थोड़ा डिटेल में, मतलब थोड़ा हर एक डायग्राम को बना लिया ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे फॉर्मेशन कैसा हो रहा है इस चीज में सबसे पहले। ओके, तो आई होप आपको मजा भी आया होगा मेरे साथ सीखने में। पर ये चीज मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, आपको कुछ दिक्कत आ रही है क्या, कुछ डाउट्स आ रहे हैं क्या। बाकी जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद MOT। तब तक ले बाय, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे।